हेलो फ्रॉम भीमास, लेट्स कुक लाइक भीमास एंड मंच लाइक भीमास। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी वाला इंडो चाइनीज डिश, वो है वेज मंचूरियन। ये वेज मंचूरियन तो सभी का फेवरेट है ना, पर जब भी ट्राई करते हैं घर पर या तो टू सॉफ्ट बन जाता है या फिर टू हार्ड। तो हम आज ऐसे टेक्निक यूज़ करेंगे कि वो घंटों बाद भी ऐसे स्मूथ सा रहे। तो चलिए प्रोसेस में स्टार्ट करें, लेट्स गो। तो पहले मैंने एक पत्ता गोभी लिया और उसे हाफ में काट लिया और उसके मैंने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। फिर मैंने उसमें डाला कैरेट्स। कैरेट्स को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था क्योंकि जब हम मंचूरियन खाएंगे तो बीच में क्रंची क्रंची वाली फीलिंग आएगी। तो फिर मैंने उसमें डाला चिलीज, फिर उसमें डाला रेड चिली पाउडर, फिर उसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं उसमें। फिर हम डालेंगे उसमें मैदा हाफ कप। फिर हम उसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर को भी हम हाफ कप ही लेंगे। मैदा और कॉर्नफ्लोर को हम सेम क्वांटिटीज में ही लेंगे। फिर हम उसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर हमने उसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर धनिया पत्ता। फिर हम उसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर हमने डाला उसमें प्याज हाफ कप। डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए। फिर हम उसे छोटे छोटे गोलों में बना लेंगे। अब चाहे तो बीच बीच में मैदा यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमने ये डो बनाया था उसे जल्दी बना लीजिए गोलों में, ताकि हम अगर हम बाहर रखेंगे तो वो पानी छोड़ने लग जाएगा और पेस्ट हो जाएगा वो। तो देखिए हमारे गोले बन चुके हैं मंचूरियन के। तो हमने पहले से तेल गरम कर लिया था, तो हमने एक एक करके उसमें मंचूरियन बॉल्स डाल दिया। तो हम उसे गोल्डन ब्राउन में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे मंचूरियन कितने गोल्डन लग रहे हैं। तो हमने उसे एक प्लेट में निकाल लिया था। तो देखिए ऐसे फ्राई होने चाहिए हमारे मंचूरियन बॉल्स। तो अब आते हैं सॉस की तरफ। अब हम ऑयल डालेंगे तवा में 2 टेबल स्पून। ऑयल को भी ऐसे सर्कुलर मोशन में ही डालना है ताकि वो थोड़ा नॉन स्टिकी बन जाए। तो फिर हमने डाला उसमें गार्लिक, फिर हम डालेंगे उसमें ऑनियंस और अच्छे से मिला लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है उसे। फिर हम डालेंगे चिलीज। इन सब वेजीज को ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो ब्राउन कलर में आ जाएगा। फिर हम डालेंगे उसमें चिली सॉस, चाहे तो आप उसमें सेजवान सॉस भी डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे उसमें सोया सॉस। सोया सॉस ज़्यादा ना डालें, अगर डालेंगे तो थोड़ा कड़वा बन जाएगा सॉस। फिर हम डालेंगे उसमें टमाटो सॉस। टमाटो सॉस थोड़ा ज़्यादा डालिए चिली सॉस से ज़्यादा। फिर हम डालेंगे उसमें थोड़ा सा विनेगर, उसे भी ज़्यादा ना डालें। तो फिर हमने डाला उसमें काली मिर्च का पाउडर, चीनी और सॉल्ट। सॉल्ट को एकदम ही कम डालिए क्योंकि हमने जो भी सॉसेस यूज़ किए थे उसमें पहले से सॉल्ट थे। तो फिर हमने डाला उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छे से मिला लिया। फिर हम डालेंगे उसमें कॉर्नफ्लोर और वाटर का मिलाया हुआ मिक्सचर। उसे धीरे धीरे डालना है और मिलाते जाना है ताकि वो थोड़ा गाढ़ापन आएगा सॉस में। फिर हम डालेंगे उसमें मंचूरियन बॉल्स और उसे अच्छे से मिला लेंगे। हाई फ्लेम पर ही मिलाना है उसे। फिर हम उसे अच्छे से सौते कर लेंगे जैसे मैंने किया है इसमें। तो फिर हम इसे गार्निशिंग करेंगे धनिया पत्ता के साथ। तो देखिए हमने इसकी प्लेटिंग भी कर ली है। तो देखिए कितनी यम्मी लग रही है हमारी ये वेज मंचूरियन। तो हम इसे स्नैक की तरह भी खा सकते हैं या फिर हम इसे साइड डिश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं नूडल्स या फ्राइड राइस के साथ। तो देखिए कितने ही टेस्टी लग रहे हैं हमारे ये मंचूरियन बॉल्स विद सॉस। अगर आप इसे गर्म ही सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए कितने ही मुलायम हैं हमारे ये मंचूरियन बॉल्स और खाने में तो लाजवाब है ये। अगर मेरी वीडियो सबको पसंद आए तो उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना मत भूलिएगा और अपने घर पर ट्राई कीजिए और उसके पिक्स मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी भीमास किचन पर सेंड कीजिए।
और हाँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।